हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इन विच एस एन इज गिवन टू ब्रैकेट में 3 to the power n minus 1। वी हैव टू फाइंड आउट nth टर्म दैट इज tn and then we have to show that the sequence is a GP. GP prove करना है, मतलब कॉमन रेशो को सेम दिखाना है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन सपोज S5 इससे रिलेटेड बेसिक लेते हैं। ओके, S5 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। एंड S4 हम ले लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। सो सब्ट्रैक्ट करने पर स्टूडेंट्स क्या आने वाला है? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो S5 माइनस S4 ये क्या रह गया इधर? T5। तो यहीं से आता है, बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, हमें निकालना है Tn। सो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। इधर देखो T5 क्या है? S5 माइनस S4। T4 क्या होगा? S4 माइनस S3। तो Tn क्या होगा? Sn माइनस Sn माइनस 1। ये 10th में भी था, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। कैसे आया वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, सो Tn का फॉर्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1। वैल्यूज पुट करते हैं, Sn के प्लेस पे 2 3 to the power n minus 1। सो Sn minus 1 क्या हो जाएगा? 2 के प्लेस पर 2, 3 के प्लेस पर 3, बट ये n के प्लेस पर क्या हो जाएगा? n minus 1 minus 1। सो मल्टीप्लाई 2 into 3 to the power n minus 2, 2 into 3 to the power n minus 1, और ये हो जाएगा +2। -2 +2 कैंसिल। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आता है? 2 और 2 कॉमन। यहां पर है 3 to the power n, यहां पर है 3 to the power n minus 1। तो 3 to the power n minus 1 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या रह जाएगा? 3 to the power 1, एक 3 रह जाएगा। और ये तो हमने पूरा कॉमन ले लिया, तो यहां रह गया 1। सो ये हो गया 3 minus 1, दैट इज 2। सो ये हो गया 2 multiplied by 2, 4 multiplied by 3 raised to the power n minus 1। दिस इज व्हाट? दिस इज Tn। अब हमें शो करना है दैट इट इज GP। 2.1 एक्सरसाइज में हमने प्रूव करके दिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन में Tn दिया हुआ है और इसे चेक करना है कि GP है या नहीं। सो nth टर्म तो निकल चुकी है, बस इस सीक्वेंस को GP दिखाना बाकी है। तो कैसे दिखाएंगे? फाइंड आउट T1। यस, टेल मी व्हाट इज T1? n की जगह 1 रख देंगे। सो 1 minus 1 0, सो 4 आएगा। T2 क्या आएगा? 4 into 3, 2 minus 1, 4 into 3, दैट इज 12। T2 क्या आएगा? T3, 4 3 minus 1, 4 into 3 square, we can write 36. Similarly, T4, 4 into 4 minus 1, 4 into 3 cube. No need to even solve this. Solve नहीं करेंगे तो भी चलेगा। Okay, T1, T2, T3, T4 आ गया। अब हम देखेंगे T2 upon T1, 4 into 3 upon 4, that is 3. T3 upon T2, 4 into 3 square, 4 into 3, again it is 3. And similarly T4 upon T3, वो भी कितना आ जाएगा? That is also 3. Okay, so all the ratios are same. We can write T2 upon T1 equals to T3 upon T2 equals to T4 upon T3 equals to R, or you can say equals to 3. Hence, the given sequence is GP. Hence, 9th question पर आते हैं कैपिटल S, कैपिटल P, कैपिटल R। कैपिटल एस इज सम, पी इज प्रोडक्ट, आर इज सम ऑफ reciprocals of n terms of GP. Now we have to verify that S upon R whole bracket raised to the power n equals to P square. So GP लेते हैं पहले A R square up to A R raised to the power n minus 1, n terms ले लिया. Now S क्या represent करता है? इन सबका sum total. तो क्या हो जाएगा? A आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. इसको हमने मार्क कर दिया फर्स्ट. नाउ व्हाट इज पी? नाउ पी इज देयर प्रोडक्ट. देयर प्रोडक्ट मतलब एन टर्म्स ऑफ जीपी का प्रोडक्ट. अब यहां पर देखेंगे ए कितनी टर्म्स है? ये एन टर्म्स. ओके, इनका प्रोडक्ट ए हर एक ब्रैकेट में है. तो ए टू दी पावर कितना हो जाएगा? एन. और यहां पर देखते हैं आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, कहां तक? आर की पावर कितना? एन माइनस वन. सो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एन वन. बेस सेम, मल्टीप्लीकेशंस में पावर एड अप टू एन माइनस वन. यस, 10th स्टैंडर्ड में एपी किया है, राइट कितनी टर्म्स है? एन माइनस वन. इनका सम क्या होगा? क्या फॉर्मूला होता है? एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो इन सबका एडिशन क्या होगा स्टूडेंट्स? एन माइनस वन अपॉन टू, क्योंकि ये एन टर्म्स नहीं है. ये कितनी टर्म्स है? एन माइनस वन. तो इधर क्या आएगा? एन माइनस वन अपॉन टू. आर की पावर कितनी? एन माइनस वन अपॉन टू. Now what is first term? First term तो 1 है. What is the last term? Last term तो n minus 1 है. Plus 1 minus 1 cancel. तो ये कितना आ गया? n. So r की पावर क्या हो गई? n minus 1 n upon 2. इसको मार्क करती हूं मैं सेकेंड. So s हमने सॉल्व किया, p हमने सॉल्व किया. अब हम सॉल्व करेंगे r. Now what is r? यस बोलो, व्हाट इज आर? आर क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी. इनका रेसिप्रोकल. सो वन अपॉन ए, वन अपॉन ए आर, वन अपॉन ए आर स्क्वायर, वन अपॉन ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन. अब इन सभी टर्म्स का एडिशन करना है, तो डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए. तो इन सब का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ए ये तो सब में है. और यहां पर क्या है? आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन. तो क्या आएगा स्टूडेंट्स इसके न्यूमरेटर में? आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन. ओके, इधर एक आर है तो ऊपर कितना आ जाएगा? हमें चाहिए कितना? आर की पावर कितना चाहिए? एन माइनस वन. यहां पर एक आर है. सपोज मान लो अगर प्रॉब्लम आ रही है, इधर आर क्यूब है और यहां लिखा है वन अपॉन आर, तो ऊपर कितना आएगा? आर स्क्वायर, क्योंकि एक आर तो हमारे पास है. अब अगर इधर आर स्क्वायर है तो ऊपर कितना आएगा? आर, क्योंकि आर स्क्वायर हमारे पास है तो एक आर से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है. इधर ए तो सब में ही है, ए की कोई टेंशन नहीं. आर यहाँ पर एक है और आर यहाँ पर हमें चाहिए कितना? एन माइनस वन. तो इसलिए ऊपर आ जाएगा आर टू दी पावर एन माइनस टू. यहाँ पर आर स्क्वायर है तो ऊपर कितना आएगा? आर रेज टू दी पावर एन माइनस थ्री, है ना. इधर एन माइनस वन चाहिए, दो हमारे पास है, इसमें से माइनस दो कर दिया तो एन माइनस थ्री. और लास्ट में करते करते यहाँ तो हमारे पास सब कुछ है तो वन आएगा. अब हम क्या करेंगे? ये क्या है? What is this? मैं इसको सीधे ऑर्डर में लिख देती हूं. Yes, आप बता सकते हो what is this? डिनोमिनेटर की कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है हमें न्यूमरेटर की. न्यूमरेटर क्या बन चुका है? जीपी बन चुका है, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? वन, जिसमें कॉमन रेशो कितना है? आर, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन, क्योंकि वन से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पर वन टू थ्री. सो टोटल टर्म्स हो जाएंगी n. तो फॉर्मूला क्या होता है? a मतलब 1, r टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन डिवाइडेड बाय ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन. सो ये हो जाएगा आर टू दी पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन. इसको फर्स्ट मार्क किया, इसको सेकेंड मार्क किया, तो कैपिटल आर को हम क्या मार्क कर देते हैं, थर्ड. अब हमें स्टूडेंट्स कुछ वेरीफाई करना है ये रिजल्ट, इसमें हमें इन सब की जरूरत पड़ने वाली है. ठीक है, तो अब मैं लेती हूँ, कौन सी साइड लेनी चाहिए मुझे, एल एच एस. यस, व्हाट इज एल एच एस, एस अपॉन आर होल ब्रैकेट रेज टू द पावर एन. मैं इसे रब करने से पहले इसकी वैल्यू यहां लिख देती हूँ. एस की जगह ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये हो गया एस. ओके, अब मैं इसको रब करती हूँ. और आर कितना है, आर ये लिख देते हैं, आर कितना है, आर टू दी पावर एन माइनस वन आर माइनस वन ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन. एस अपॉन आर और इसकी पावर कितनी है, एन. ये कहां से आया, तो साइड में लिखना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट का यूज किया और थर्ड का यूज किया. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, पी की जरूरत पड़ेगी इसलिए अभी मैं इसको रब नहीं करती आर एच एस में, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, तुम्हें पता है ना, कॉर्नर्स वाले मल्टीप्लाई होते हैं एंड मिडिल वन. तो क्या आएगा, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन आर माइनस वन ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन. डिनोमिनेटर में आर माइनस वन आर टू दी पावर एन माइनस वन होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर एन. ये पूरा कैंसिल, इससे ये पूरा कैंसिल. ओके, सो ये कितना आ गया, ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर. और ये क्या है, आर रेज टू दी पावर कितना, एन माइनस वन होल ब्रैकेट, बाहर कितना है, एन. सो अब यहां देखते हैं, इधर कितना हो जाएगा, ये ए टू दी पावर टू एन आर टू दी पावर कितना, एन एन माइनस वन. ये क्या हो गया, एस अपॉन आर होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर एन. मतलब ये आ गया, क्या आ गया, एल एच एस. अब हम आते हैं आरएचएस. आरएचएस में क्या दिया है, पी स्क्वायर. तो ये तो पी की वैल्यू है, हमें तो क्या करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर. ये हमने कौन सा रिजल्ट यूज किया, तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड. बस अब इसका स्क्वायर करना है एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट. ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा. अब देखते हैं कैसे. ओके, तो देयरफॉर पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर टू एन आर एन एन माइनस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू. ये टू से ये टू कैंसिल, ए टू दी पावर टू एन 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 माइनस वन. दिस इज आर एच एस. चाहो तो इसको भी मार्क कर दो, ए एंड दिस इज बी. नाउ फ्रॉम ए एंड बी, दिस इज ए दिस इज बी, यू कैन सी दोनों इक्वल है. तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, वॉट वी कैन राइट, वी कैन राइट एस अपॉन आर होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर एन इक्वल्स टू पी स्क्वायर. फ्रेंड्स, आते हैं 10th क्वेश्चन में, इन विच वी हैव टू वेरीफाई एस एन S3n minus S2n equals to S2n minus Sn whole bracket square. Here Sn means sum of n terms, S2n means sum of 2n terms and S3n means sum of 3n terms of GP. Okay, so ये formula लिख लिया, ये है nth term का formula a r to the power n minus 1 upon r minus 1. 2n में फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ इस n की जगह पर 2n आएगा. और 3n में n की जगह क्या आ जाएगा, 3n. अब हमने ली LHS में Sn की वैल्यू पुट कर दी, 3n की पुट कर दी और S2n की पुट कर दी. कहां से पुट की हमने, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें से ए आर माइनस वन a अपॉन आर माइनस वन, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, आर टू दी पावर 3n माइनस वन माइनस आर टू दी पावर 2n प्लस वन, ये माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो ये a मल्टीप्लाई बाय a दैट इज a स्क्वायर, आर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आर माइनस वन दैट इज आर माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर, आर टू दी पावर n माइनस वन, यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आर टू दी पावर 2n कॉमन आएगा, तो यहां पर बचेगा आर टू दी पावर n माइनस वन। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट a स्क्वायर आर टू दी पावर 2n आर टू दी पावर n माइनस वन, ये दो बार है तो इस ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन आर माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमने देखा सभी का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं ना, a आर टू दी पावर n आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये है LHS, फर्स्ट नोट इट डाउन। नाउ वी विल स्टार्ट RHS। RHS लिखते हैं अब हम। सो RHS में हम क्या लिखेंगे, RHS इज S2n माइनस SN होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड जैसे यहां पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो ए आर टू दी पावर 2n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो सिंप्लीफाई करने में ए आर माइनस वन ये दोनों में है, सो कॉमन आ गया। सो क्या रह जाएगा, 2n माइनस वन माइनस आर टू दी पावर n प्लस वन, ओके, होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अभी क्या आएगा, a r माइनस वन, ओके। अब r टू दी पावर 2n और rn में से कॉमन क्या आएगा, r टू दी पावर n कॉमन, तो ये रह जाएगा आर टू दी पावर एन माइनस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू रिजल्ट। ये क्या है, ये हमने कौन सी साइड की है, आरएचएस, और ये कौन सी साइड है, एलएचएस। यू कैन सी बोथ द रिजल्ट्स आर सेम। सो वी कैन राइट दिस एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया ए, एंड राइट दिस एज बी। So from A and B, Sn S3n minus S2n equals to S2n minus Sn whole bracket square. So students देखते हैं question number 11 in which this sign, ये नया है तुम्हारे लिए ना, this is summation sign, और यहाँ पर r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब क्या है पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 into, ये तो कांस्टेंट है 3, 2 कांस्टेंट है, ये r की वैल्यू हमें चेंज करनी है, 1 लिखनी है, 2 लिखनी है, 3 लिखनी है, कहाँ तक लिखना है, 10 तक, ओके। सो ये क्या हो गया यहाँ पर 1 प्लस समेशन मतलब प्लस, सो 3 into 2 टू दी पावर 2, 3 into 2 टू दी पावर 3 एंड सो ऑन, ओके। सो यहाँ पर ये क्या है, इट इज जीपी दिया हुआ है, हमें इनका सम निकालना है। सो लास्ट में ये आ जाएगा। अब सम कैसे निकाले स्टूडेंट्स, पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 और मैं 2 ये दोनों ही कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर 2 to the power 9, ओके। अब ये हो गई क्लियर कट जीपी दिखाई दे रही है। व्हाट इज a हेयर 1, व्हाट इज r हेयर 2 upon 1 दैट इज 2। सो ये 6 तो एज इट इज रहने दो और ये सम हो जाएगा a, फॉर्मूला लिख देती हूँ a, ये ग्रेटर देन 1 है ना, r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, क्या रखेंगे 1, r के प्लेस पर 2, कितनी टर्म्स है ये, हाउ मेनी टर्म्स, 1 से लेकर 10 तक मतलब 10 टर्म्स, ओके। ये 9 पर मत जाना, क्योंकि ये वन मतलब टू की पावर क्या है जीरो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 अपॉन 2 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 6 2 to the power 10 माइनस 1, दिस इज द आंसर। अब हम इधर निकालते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये भी, 1 से लेकर कहां तक 10 तक, ओके सो इसको भी क्या लिखते हैं 5 3 to the power 1 5 3 to the power 2 एंड सो ऑन 5 into 3 to the power 10, कॉमन ले लेते हैं उससे इजी हो जाएगा, 5 into 3 कॉमन लिया 1 प्लस 3 सेम 3 to the power कहां तक 9 तक। अब ये 15 को एज इट इज रखो मैं डायरेक्ट ए r to the power n, यहां पर कितनी टर्म्स है 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, सो ये क्या हो जाएगा 15 3 to the power 10 माइनस 1 अपॉन 2। स्टूडेंट्स इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ओके 2 to the power 10 कितना होता है 1023 24 माइनस 1, ये हो जाएगा 1023, मल्टीप्लाई कर लो 18 6 2 12 13 एंड दिस, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके दिस इज S10। स्टूडेंट्स आते हैं 12th क्वेश्चन में, इन विच वैल्यू ऑफ हाउस एप्रिशिएट्स 5% पर ईयर, हाउ मच हाउस वर्थ आफ्टर 6 years इफ करंट वर्थ इज 15 लाख गिवन। ये दो वैल्यूज दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए, सो मैं तो ऐसा बोलूंगी प्रेफर करूंगी स्टूडेंट्स नो नीड टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय जीपी, बहुत लेंथी हो जाते हैं, बट मैं यहाँ दोनों मेथड करके दिखाऊंगी, बट इट्स बेटर टू यूज बाय द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन विच अमाउंट इज पी 1 plus r upon 100 raised to the power n, सो अमाउंट आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years में पी यहां पर क्या हो जाएगा 15 लाख 1 plus 5 upon 100 whole bracket raised to the power 6, सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 plus 5 105 upon 100, सो दैट इज 1.05 raised to the power 6, ये लैक्स में है ओके और क्योंकि 15 लाख दिया हुआ है, सो 15 इंटू नाउ इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.34 लैक्स, सो यू मल्टीप्लाई दिस कर ही लेते हैं 1.34 15 से 5 4s are 20 15 or 2 17 and 6 4 3 1 0 11 10, yes so answer is 20.10 lakhs, this is the value of house after 6 years, it will be 20.1 lakhs, okay। ये तो मेथड हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, अब जीपी वाला भी मेथड देख लेते हैं। सो जीपी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनिशियली स्टार्टिंग में T1 कितना है 15 lakhs, ओके सो एट द एंड ऑफ आफ्टर 1 year, एक साल के बाद ये कितना हो जाएगा, तो 15 lakhs प्लस 5% ऑफ 15 lakhs, ओके सो ये कितना हो जाएगा 15 कॉमन ले लिया तो 1 plus 5 upon 100, राइट ठीक है। ऐसे ही आफ्टर 2 years इसको सॉल्व कर लेते हैं 15 1.05, ये हो गया आफ्टर 1 year, तो आफ्टर 2 years क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। सिमिलरली आफ्टर 6 years क्या हो जाएगा raised to the power 6, सेम वैल्यू पुट करेंगे एंड देन इसे सॉल्व करेंगे। सो आते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ वन इन्वेस्ट 10,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डबल द मनी, मीन्स 10,000 का 20,000 बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो मैंने प्रीवियसली भी बताया, लेक्चर में भी बताया अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. सो व्हाट इज अमाउंट पी 1 + r/100 raised to the power n. प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया 10,000 और हमें मिलना कितना चाहिए डबल मतलब 20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100 बट n वही तो हमें निकालना है. कितने साल लगेंगे डबल होने में. ये 40 से 40 क्या हो जाएगी कैंसिल. तो 2 और यहां पर क्या हो गया 1 + 0.08 दैट इज 1.08 raised to the power n कितना हो गया 2. अब 108 की ऐसी कौन सी पावर ले जिससे 2 आ जाए. एक तो स्टूडेंट्स इसका सिंपल सा आंसर है कि हम इसको लॉग से करें बट यहाँ पर हमें लॉग यूज नहीं करना क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब यहाँ पर 5 गिवन है 1.47. अब तुम्हें याद करना है यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है. अगर तुम्हें याद हो तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 ठीक है. सो ये उसके नियर अबाउट है. यहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा बट करीब ही मिलेगा. तो ये तो क्या हो गया 1.47 इसका मतलब √2 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो गया 1.47 अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग. सो 2 क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.47 × 1.47 ओके. सो मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पर 2 मतलब √2 × √2. यहाँ पर ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली √2 की दी हुई है. सो ये क्या हो जाएगा ये साइन होता है अप्रोक्सीमेट. दिस इज द साइन ऑफ अप्रोक्सीमेशन. सो 1.08 raised to the power 5 1.08 raised to the power 5. सो ये क्या हो जाएगा 1.08 raised to the power 10. सो इट मीन्स व्हाट इट मीन्स दैट n कितना हो गया द वैल्यू ऑफ n इज 10. इट मीन्स क्या लिखेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर 10 years the amount will be double. So, आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स. जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.